ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 12 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसके प्रमोशन के लिए सुपर 30 कोचिंग के संस्थापक आनंद कुमार लखनऊ आए। ये फिल्म आनंद कुमार के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने पटना में सुपर 30 नाम की कोचिंग की शुरुआत की थी, जो कि गरीब स्टूडेंट्स को फ्री में इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। फिल्म में ऋतिक रोशन ने आनंद कुमार का किरदार निभाया है। इस मौके पर आनंद कुमार के साथ उनके भाई प्रणव और फिल्म में उनका किरदार निभा रहे एक्टर नंदीश भी मौजूद रहे। वही हमारे संवाददाता मयूर शुक्ला ने नंदीश से खास बातचीत की। बिहार में चलने वाली कोचिंग सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी, जिनकी जीवन पर आधारित फिल्म सुपर 30 जिसमें ऋतिक रोशन काम कर रहे हैं, वो जल्दी 12 जुलाई को रिलीज होने वाली है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे बहुत खुशी हुई कि देश में सबसे ज्यादा बुकिंग होने वाले दो शहर में जो हमारी फिल्म की एडवांस बुकिंग हो रही हैदराबाद और लखनऊ है। तो लखनऊ के लोग बेताब हैं फिल्म देखने के लिए, देखना चाहते हैं कि अगर आप में जिद है, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो पैसा और संसाधन कोई मायने नहीं रखता है। तो ये फिल्म लोगों को काफ़ी उत्साहित करेगी, गरीब बच्चों में, निर्धन परिवार में तो उत्साह जगाएगी, और जो प्रिविलेज क्लास के बच्चे हैं उनको भी ये शिक्षा देगी कि जहाँ चाह वहाँ रह। ये फिल्म एक शिक्षक की कहानी है, सिर्फ आनंद कुमार की कहानी नहीं बल्कि वैसे शिक्षक की कहानी है जो पूरी ताकत के साथ एक छोटे से बस्ती में भी बेहतरी के लिए स्टूडेंट के काम करते हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस फिल्म देखने के बाद हर माता पिता चाहेंगे कि मेरा बेटा भी बड़ा हो, बेटी बड़ी हो तो एक शिक्षक। सर, एक सपना देखा था आपने, सुपर 30 कोचिंग खोला, उसके बाद आज ये मुकाम हासिल किया आपने कि आप जाके आप उसके ऊपर एक फिल्म बन रही है जिसमें ऋतिक रोशन जी काम कर रहे हैं, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के, और अच्छा लग रहा है कि लोगों में उम्मीद जाग रही है और अच्छा पढ़ने की करने की। इस फिल्म के लिए ऋतिक रोशन जी ने बहुत मेहनत किया, एक साल तक ट्रेनिंग ली है, मसल्स को गलाया है, बोलने का तरीका सीखा है। तो आप देखिएगा फिल्म, देख के आप बहुत खुश होंगे, अच्छी लगेगी फिल्म, लोगों का उत्साह बढ़ेगा। तो ऋतिक रोशन एक ऐसे कलाकार हैं, चॉकलेटी बॉय के नाम से जाने जाते हैं, उनका ऐसा लुक भी नहीं है जैसे फिल्म में दिखाया गया है, तो कितनी ज़्यादा हैरानी की बात है आपके लिए कि ऋतिक रोशन ऐसा कलाकार ऐसा किरदार निभाए? नहीं, जो कलाकार होता है वो किसी भी किरदार में ढल जाता है, तो ये जो अपने आप को आनंद कुमार में ढालने का प्रयास किया है बहुत अच्छा है। शूटिंग पर मैं एक बार गया था तो ऋतिक जी आ रहे थे तो लगा कि मेरा ही इमेज निकल के आईने से आ रहा है, तो आप देखिए बहुत अच्छा लगा। सर, आपको क्या लगता है कि पूरे देश में सुपर 30 नाम की जो कोचिंग है वो चलनी चाहिए, जहां पर भी जो प्रतिभाएं हैं वो निखर के आगे आनी चाहिए? एकदम चलनी चाहिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले भविष्य में हमारे राह पर चलते हुए और भी कई लोग इस तरह का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सुपर 30 का एक मुहिम चलाएं, मैं आपके साथ हूँ, और हमारी फिल्म सरकारी स्कूल के बच्चों को जरूर दिखाएं, और हो सके तो बहुत अच्छी बात होगी, हम लोगों के लिए सौभाग्य होगा, उन बच्चों के लिए प्रेरणादायी होगा अगर इस फिल्म को टैक्स फ्री उरी के तर्ज पर करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे आनंद कुमार जी, जो कि सुपर 30 कोचिंग उसके संस्थापक हैं, इनके जीवन पर आधारित फिल्म जिसमें ऋतिक रोशन जी ने इनका किरदार निभाया है 12 जुलाई को रिलीज होने वाली है। उनका कहना है कि जो नीचे तबके के लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए काम करेंगे, पूरे देश में सुपर 30 कोचिंग जरूर खोलेंगे और जो गरीब बच्चों हैं उनको आगे लेकर आएंगे। कैमरा पर्सन इस्लाम के साथ मयूर शुक्ला, लाइव टुडे, लखनऊ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव टुडे के साथ।